ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपके अपने चैनल कर्म योनि में हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं, हम हमेशा ज्ञानवर्धक भक्तिमयी कथाएं लेकर के आते हैं, ताकि हमारे मन का अंधेरा सदा के लिए दूर हो सके और हमें सच्चे ज्ञान तथा ईश्वर की प्राप्ति हो सके। दोस्तों, आज की कथा भगवान भोलेनाथ जी पर आधारित है। आखिर क्यों भगवान भोलेनाथ जी को सावन का महीना बहुत प्रिय है? साथ ही साथ हम बताएंगे कि सर्वप्रथम कांवर की परंपरा कब शुरू हुई और इसे किसने शुरू किया। चलिए अब बिना देर की कथा आरंभ करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार कांवड़ की परंपरा शुरू करने वाले भगवान परशुराम जी थे। कहा जाता है कि सावन के महीने में भगवान परशुराम सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा आराधना किया करते थे। वह कांवड़ में जल भरकर शिव मंदिर तक यात्रा करते थे और शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के बाद भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा करते थे। भगवान शिव को सावन महीना और सावन सोमवार बेहद प्रिय है, इसलिए सावन के महीने में सोमवार का व्रत करना बहुत लाभदायक माना गया है। कहा जाता है कि भगवान परशुराम की वजह से ही भगवान शिव की पूजा और उनका व्रत शुरू हुआ था। भगवान शिव को क्यों प्रिय है सावन का महीना? एक और कथा के मुताबिक भगवान शिव ने सनत कुमारों को स्वयं यह बताया था कि उन्हें सावन का महीना क्यों प्रिय है और इस महीने में उनकी पूजा करना क्यों लाभदायक है। जब सनत कुमारों ने भगवान शिव से सावन के महीने की महिमा पूछी, तब भगवान शिव ने ये कहा कि देवी सती ने अपने पिता दक्ष के घर से शरीर का त्याग किया था। देवी सती ने यह संकल्प लिया था कि वह हर जन्म भगवान शिव से ही विवाह करेंगी। अगले जन्म देवी सती का पार्वती के रूप में जन्म हुआ था। माँ पार्वती ने सावन के महीने में ही भगवान शिव को पाने के लिए कड़ी तपस्या की थी, जिसकी वजह से उन्हें भगवान शिव मिले थे और उन्होंने ही सुखी जीवन व्यतीत किया था। तब से ही भगवान शिव के लिए सावन का महीना बेहद प्रिय हो गया। ऐसी और भी अद्भुत कथाओं के लिए हमारे भक्तिमय और ज्ञान के चैनल कर्म योनि को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, जहां हम देवी देवताओं के अद्भुत लीलाओं, उनके अनेक रूपों को आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं और करते रहेंगे। ईश्वर की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय शिव शंभो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।